स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप वाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसे डाउनलोड करना है। इसकी डाउनलोड करने की ऑफिशियल वेबसाइट है, चलो हम देख लेते हैं। आपको सीधा सा स्पार्कल सर्च करना है अपने गूगल में। चलिए हम लिख लेते हैं स्पार्कल, ठीक है। तो स्पार्कल ये सर्च करा हमें, तो फर्स्ट जो वेबसाइट आ रही है हम सीधा इसे ओपन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसे देखते हैं। ये इसकी वेबसाइट खुल गई है। इसे डाउनलोड करने के लिए आप सीधा फ्री ट्रायल पर क्लिक करें। ये दोस्तों पेड वर्जन है, आप इसे फ्री ट्रायल यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे देखिए, बता देते हैं कि आपको क्या करना है। फ्री ट्रायल पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप फ्री ट्रायल पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है आप इसे फेसबुक या गूगल से साइन अप करिए। जैसे ही आप साइन अप कर लेंगे तो आपके पास यह डाउनलोड करने के लिए आ जाएगा। दोस्तों मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि ये मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अच्छे से अपने कोई वाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं बहुत ही अच्छी और लाजवाब। तो चलिए इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यदि आपने अपने पीसी में स्पार्कल वीडियो स्क्रब डाउनलोड कर लिया है तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इसे ओपन करता हूँ। ये ओपन हो रहा है, ठीक है। ये रजिस्टर करने का बोल रहा है, चलिए हम इसको डाल लेते हैं। ठीक है, ये जैसे ही भी आप इसे अपना अकाउंट इसमें लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। ये देखिए, ये अब अपग्रेड करने के लिए बोला है, चलिए हम इसे नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा जब आप फर्स्ट टाइम इसे इंस्टॉल करके और इसे ओपन करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्रिएट न्यू स्क्रब पे क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है। तो हमें कुछ इसमें बनाना है टेक्स्ट और इमेज, और अपने साउंड का भी यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे साउंड इसमें लाइब्रेरी में फ्री दिए गए हैं जो ऑनलाइन हम डाउनलोड करके इसी के सॉफ्टवेयर में से इस अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं, या अपने कंप्यूटर में से इंपोर्ट करके भी अपने वीडियो में हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम दिखा रहे हैं सबसे पहले आपको। दोस्तों ये हमारा प्रोजेक्ट है एक्सपोर्ट करने का है, और ये इमेज ऐड करने का है, ये टेक्स्ट के लिए है, और ये साउंड के लिए है। ये अपनी आवाज़ इसमें वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि आप अपने वीडियो में अपनी वॉइस यूज कर लें, ठीक है ना। और ये बैकग्राउंड चेंज करने का है, मान लो कि आप टेक्स्ट लिख रहे हैं तो टेक्स्ट के पीछे जो बैकग्राउंड रहता है उस ये वहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ये अलग है, मतलब डिफरेंट वेसेस हैंड के लिए। तो चलिए हम सबसे पहले इसमें एक टेक्स्ट लिखते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू। ठीक है दोस्तों, इसमें फॉन्ट है, आप चाहे तो फॉन्ट यहाँ से सेलेक्ट करके चेंज कर लेते हैं, या यहाँ से अपने डेस्कटॉप में से इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं अभी इसका फॉन्ट वैसे ही रहने देता हूँ और कलर भी ब्लैक रहने देता हूँ। इसका डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक आता है, आप चाहे किसी भी डिफरेंट कलर में इसको फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, पर मैं भी ब्लैक में ही कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम ओके कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये आ गया है, ये सिंपल सा आ गया है। यदि आपको इसको एडजस्ट करना है तो सीधा आप इसकी सहायता से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और
यदि आपको ये नीचे ऊपर करना है तो आप सीधा से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये अब हाउ आर यू लिखा गया है, चलिए हम इसे प्ले करके देखते हैं कि कैसा है। देखिए कुछ इस तरह की आपके सामने वीडियो आएगी जो आप बनाएंगे, ठीक है। यदि आप इसमें चाहते हैं कि आप इसमें कोई इमेज मतलब इसमें डालें, तो ये मेरे लोकल इमेज है, मतलब जो मेरे इंपोर्ट किए गए हैं पहले प्रोजेक्ट में ये सब। चलिए हम इसकी लाइब्रेरी में से कोई इमेज सर्च करते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, नहीं हम यहाँ पे इसकी लाइब्रेरी में चलते हैं। ये आ गया, ये यहाँ बोल रहा है कि इसमें कोई वर्ड लिखें कि आपको किस तरह का इमेज चाहिए, ठीक है ना। तो हम चलिए इसमें वो ही लिखते हैं। और यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये मतलब आ गया है इसमें, जो हमने इमेज सर्च करे हैं उससे रिलेटेड काफ़ी सारे इमेज इसमें आ गए हैं। हम अपनी वीडियो में कोई सा भी इमेज यूज कर सकते हैं। चलिए मैं ये वाला इमेज इसमें यूज कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है दोस्तों। इसको एडजस्ट हम इससे कर सकते हैं, देखिए इसको आप किसी भी तरह एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखिए। अब ये आ गया है, चलिए हम इसको प्ले करके देखते हैं कि कैसा है। देखिए ये कुछ इस तरह से प्ले होगा, और ये अब ये बॉय जो हमने इंपोर्ट किया है इमेज इसकी लाइब्रेरी में से वो बनाएगा। देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये वीडियो बन गई है। अब दोस्तों आता है हमारा म्यूज़िक ऐड करने का, या तो आप अपना म्यूज़िक यहीं से रिकॉर्ड करके अपने इस प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं, ठीक है। और यदि आप कोई म्यूज़िक या कोई सॉन्ग डालना चाहते हैं तो सीधा आप इस पर क्लिक करिए। इसमें वीडियो स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी अपनी खुद की है, मतलब जो फ्री कॉपीराइट म्यूज़िक देती है, आप चाहे तो इसमें से यूज कर लें, या यदि आपके पास और कहीं से है या आपके कंप्यूटर में कोई म्यूज़िक है आप उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो सीधा यहाँ पर क्लिक करके आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। चलिए मुझे तो यहीं से यूज़ करना है, तो मैं सीधा यहीं से आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, यस ओके कर देंगे इसको, ठीक है। अब चलिए हम प्ले करके देखते हैं। देखो दोस्तों ये साउंड भी प्ले हो रहा है अभी में, और ये वीडियो हमारी बन रही है अच्छे से, है ना। तो ये सीधा आ गया है हमारा, मतलब एक ये मतलब तैयार हो गया, ठीक है। अब यदि हमें अभी नेक्स्ट बनाना है तो सीधा आप इस पर क्लिक करें और इसको उठा करके ऐसे कर दें सीधा साइड से, ठीक है। इसको भी साइड से कर दें। अब हमें न्यू प्रोजेक्ट मतलब न्यू आगे वीडियो से आगे कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो सीधा आप यहाँ पर लिखें और इमेज इंपोर्ट करें। म्यूज़िक तो आपका वो लग ही गया है इसमें, और सीधा यहाँ पर टैग डाल करके इसे ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये ऐसे आप कितनी भी बड़ी वीडियो इसमें बना सकते हैं। अब बात आती है हमारी इंपोर्ट करने की, कि हम इसे कैसे मतलब रेंडर करें इसकी वीडियो को, मतलब एक्सपोर्ट करने की आती है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है, तो आप इससे वीडियो को रेंडर कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों। ये मतलब इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहीं से आप बिना रेंडर किए ही आप यहाँ से अपने YouTube के चैनल पर शेयर कर सकते हैं, या Facebook पर शेयर कर सकते हैं, या ये है पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन यहीं से स्लाइड वैसे यहीं से बना सकते हैं, या सेव वीडियो ऑनलाइन पर शेयर कर सकते हैं कहीं पे, ठीक है। तो सब मैं यहाँ से वीडियो फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपने पीसी में सेव करके रखनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये आ रहा है हाँ हमारा मतलब वीडियो के फॉर्मेट चूज करने का। तो यहाँ पे बहुत सारे इसके फॉर्मेट हैं, देखिए तो मैं साइज ये कर लेता हूँ, और AVI इसमें बहुत सारे फॉर्मेट दिए गए हैं, तो मुझे AVI में ले लेना है फॉर्मेट,
और ये इसका फ्रेम रेट है, आप किस फ्रेम रेट में चाहिए? 15 से 35 तक इसमें दिया गया है, नहीं ज़्यादा है, 50 तक है। तो मुझे सिंपल सा, मुझे तो 25 ही काफ़ी है। आप यहाँ पर प्रोजेक्ट का कोई भी नाम लिख सकते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, मतलब जो भी आपकी वीडियो को नाम देना चाहते हैं, ठीक है? आप अपने हिसाब से जब बनाएं तो आप बना लें, ठीक है दोस्तों? ये देखिए वीडियो रेंडर हो रही है, इधर लिखा है प्रोसेसिंग ऑडियो क्रिएट वीडियो, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो जाएगी जल्दी से ही दोस्तों। ये बहुत ही सिंपल तरीका है एक वाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो क्रिएट करने का, और ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप इसका प्रयोग ज़रूर करें। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ज़रूर भूले, कमेंट करना ना भूले। देखिए ये रेंडर हो रही है, देखिए दोस्तों ये रेंडर अभी हमारी हो रही है, कुछ टाइम और लेगी अभी ये। लगभग हमारी वीडियो रेंडर होने वाली है, जल्दी से ही हो जाएगी। चलिए हो रही है, ये जैसे भी सेव होती है मैं इसको आपको प्ले करके दिखाऊंगा कि ये वीडियो कैसी रेंडर हुई है और ये कैसे चलती है। ठीक है दोस्तों, वो वीडियो रेंडर हो गई है और यहाँ पर मतलब आ गया है कि वो वीडियो प्ले करने के लिए। चलिए मैं प्ले कर देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों ये म्यूज़िक भी इसमें आ रहा है जो हमने म्यूज़िक ऐड करा था, और ये ऐसे लिखा हो भी गया है, और ये ड्राइंग कर रहा है अभी मैं। ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप इसे अच्छे से और भी इससे अच्छी वीडियो आप बना सकते हैं, ये काफ़ी बढ़िया है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।